हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक इनपुट टाइप जो है टैग होता है, जो कि एम्प्टी टैग होता है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आखिर वो टैग है क्या और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। हम वीएस कोड पे ही कोडिंग करने वाले हैं, तो वीएस कोड को हम ओपन कर लेते हैं अपने, ठीक है। अब यहाँ पर पिछली बार हमने आपको सोलर सिस्टम बनाना सिखाया था, तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर इनपुट टाइप का एक और एट्रीब्यूट देखेंगे, और वो एट्रीब्यूट क्या है अभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे HTML से ही, तो यहाँ HTML लिख दिया है, और फिर यहाँ पर हेड पोर्शन आएगा, तो हेड लिख दिया। देन आता है आपका टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल भी लिख देते हैं, TITLE। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट, यूज ऑफ एट्रीब्यूट दे देते हैं, यूज ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया यूज ऑफ एट्रीब्यूट, और ये लिख करके टाइटल को क्लोज करेंगे, TITLE, टाइटल हो गया क्लोज। और उसके बाद नीचे जैसे ही आते हैं तो हेड को भी क्लोज कर देना है आपको, तो ये हेड क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करके जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम बॉडी स्टाइल देंगे, क्या देंगे, बॉडी गैप देके लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। बॉडी की स्टाइल क्या रहेगी, टेक्स्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है हम रखेंगे। ये भी देखिए, ये बॉडी का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट लिखा हमने, और टेक्स्ट को हम अलाइन करेंगे सेंटर में, किधर, सेंटर में अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है, आपको जैसे टेक्स्ट आपने ओपन किया है, यहाँ पे डबल क्लिक कॉमा ओपन किया है, और यहाँ पे अलाइन के बाद आपको कॉलन लगाना है, यानी दो बिंदु जो होता है, दो पॉइंट जो होता है वो आपको लगा देना है, और यहाँ पे सेंटर में इसे अलाइन कर दिया हमने। सेंटर में अलाइन करने के बाद इसे टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करके और इसको क्लोज कर देंगे, यानी बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, यानी ये टैग जो ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे H1 लिख देते हैं, या H2 लिख देते हैं, या H3 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ H3 ही लिख देते हैं। तो ये लिखा H3, यानी हेडिंग 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग एंड एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने टैग एंड एट्रीब्यूट लिख दिया है, और यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर H2 को क्लोज करना है, यानी H3 लिया हमने तो H3 को क्लोज कर देना है, और एंटर करके नीचे आना है, ठीक है। और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे इनपुट टाइप, क्या लगाएंगे, इनपुट टाइप। आप इसमें कुछ और भी चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इसमें चाहे तो फॉर्म टैग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्म टैग, इस तरीके से लगाइए फॉर्म, और यहाँ पे लगाता हूँ एक्शन, ठीक है। और एक्शन में क्या करूंगा, हैश लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, हैश, ठीक है। इस तरीके से हैश लगा दिया, अब इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे जैसे आते हैं तो अब हमें यहाँ पे लेबल लगाना है, क्या लगाना है, लेबल। तो यहाँ पे LABEL लेबल कर दिया हमने, और LABEL होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और लेबल करने के बाद यहाँ पर आते हैं फॉर, FOR लिखना है लेबल करके, FOR फॉर, और फॉर लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, और यहाँ पर डबल क्लिक कॉमा में लिखते हैं कलर, COLOR। तो ये दे दिया कलर, ठीक है। और कलर देने के बाद ये डबल क्लिक कॉमा क्लोज किया, और यहाँ पे इस टैग को भी क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट कलर, COLOR कलर, ठीक है। और यहाँ पे कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज करते हैं, LABEL लेबल, LABEL करेंगे, तो ये लेबल टैग क्लोज हो गया। अब एंटर करके नीचे आते हैं, जैसे ही नीचे आता तो अब यहाँ लगाना इनपुट टाइप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है सारा ध्यान यहीं पे दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे कलर कर देते हैं, ये लिखा कलर, और डबल क्लिक कॉमा को क्लोज कर दिया, और क्लोज करके एंटर करके नीचे आए, और इसकी वैल्यू देंगे, और हम यहाँ पर देने वाले हैं हेक्साडेसिमल कोड, क्या देंगे, हेक्साडेसिमल कोड देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हेक्साडेसिमल कोड में हम यहाँ पर लिख देते हैं हैश, और फिर 00, फिर यहाँ पर 99, और फिर यहाँ पर 00, ये हमने कर दिया, हेक्साडेसिमल कोड है ये, देख सकते हैं किस तरीके से लिख दिया है। और यहाँ पे कर देते हैं आईडी दे देते हैं, तो आईडी इज इक्वल टू कर देते हैं कलर, COLOR, ये हो गया कलर। और इसको अब बंद करेंगे, यानी टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप कभी क्लोज होता नहीं है, लेकिन हमें फॉर्म को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, तो फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, FORM फॉर्म को क्लोज किया। और क्लोज करते समय ये देखिएगा, ये इस तरीके से बैकस्लैश लिखा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंटर करिए, नीचे आइए, और अब बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देने की बारी है। तो यहाँ पर पहले बॉडी, देन HTML को भी क्लोज कर देते हैं, तो ये काम हो गया है, और अब इसको सेव करने की बारी है। तो कंट्रोल एस करते हैं, इसको सेव करते हैं, और इसको हम जो है इनपुट के ही नाम से सेव कर देते हैं, input.stm या .stml, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये सेव हो गया। अब विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत क्या है, कि यहीं पर आप इसे रन करा सकते हैं, राइट क्लिक करिए, नीचे आइए,
और डिफॉल्ट ब्राउजर पे इसे ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये सेलेक्ट कलर लिखा है ना, मैं थोड़ा सा इसे जूम भी कर देता हूँ, टैग एंड एट्रीब्यूट जो हमने दिया था, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना, कमाल की चीज। तो इसको इस तरीके से आप यूज करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, और ये इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट आपको आई होप कि जरूर समझ में आया होगा, और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें होती चली जाएंगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर याद नहीं होगा कोड, तो बार बार इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप इसे मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए उसको मोबाइल में भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।